दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए क्रिक बॉली यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अभिनेता अजय देवगन की सिंघम सीरीज और सलमान खान की दबंग सीरीज के बारे में बताएंगे। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इन सीरीज़ में अभी तक कौन बॉक्स ऑफिस पर आगे चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अजय देवगन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की, तो अजय देवगन की सिंघम सीरीज़ की अभी दो फिल्में रिलीज़ हुई हैं, जिसमें सिंघम और सिंघम रिटर्न जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। और अगर बात करें इन दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इन दोनों फिल्मों ने लगभग 238 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जिसमें अजय देवगन की सिंघम सुपर हिट हुई है और इस फिल्म ने 98 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, और सिंघम रिटर्न भी सुपर हिट हुई थी और इस फिल्म ने लगभग 140 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की, तो आपको बता दें कि दबंग सीरीज की भी दो फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसमें दबंग और दबंग टू जैसी शानदार फिल्में शामिल है, और इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है। दबंग ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई है और इस फिल्म ने 141 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, और दबंग 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और इस फिल्म ने लगभग 155 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और अगर बात करें इन दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सलमान खान की इन दोनों फिल्मों ने लगभग 296 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो दोस्तों इस तरह से पता चलता है कि इन दोनों सीरीज में अभी तक सलमान खान आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमें कमेंट में अपने फेवरेट अभिनेता के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।